इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही खूबसूरत जंगल को दिखाया जाता है, जहां मोगली बाकी भेड़ियों के साथ दौड़ लगा रहा होता है, क्योंकि बघीरा उन्हें एक अच्छा भेड़िया बनना सिखा रहा होता है। लेकिन मोगली एक इंसान होने की वजह से भेड़ियों की तरह नहीं दौड़ सकता था, इसी वजह से वो पकड़ा जाता है। बघीरा उसे समझाता है कि अगर तुम बाकी भेड़ियों के साथ नहीं भागोगे तो तुम पकड़े जाओगे और किसी का शिकार बन जाओगे। मोगली इंसान होने के बावजूद भी जंगल में इसलिए रह रहा था क्योंकि जब वो छोटा था तो बघीरा को जंगल में लावारिस मिला था, इसीलिए बघीरा ने उसे भेड़ियों को सौंप दिया और रक्षा ने उसे एक बेटे की तरह पाला। और इन भेड़ियों का लीडर अकेला था, जो कि एक बहुत ही अच्छा और नेक दिल लीडर था। आज मोगली बहुत उदास होता है क्योंकि वो एक अच्छा भेड़िया नहीं बन पा रहा था और वो हमेशा की तरह इस बार भी बघीरा से पकड़ा गया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ समय बाद उस जंगल में सूखा पड़ गया, इसी वजह से जंगल में काफी कम पानी रह गया था। फिर सभी जानवर पानी पीने के लिए इकट्ठा होते हैं और इसे यहाँ के जानवर शांतिशिला कहते हैं। शांतिशिला का नियम होता है कि नदी में पानी कम रहने पर यहाँ पर कोई भी जानवर किसी का शिकार नहीं कर सकता, सब वहाँ खुशी से पानी पी रहे होते हैं। और वहाँ मोगली भी अपने बनाए हुए जुगाड़ से पानी पी रहा होता है, लेकिन तभी अकेला उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि एक अच्छा भेड़िया कभी भी जुगाड़ इस्तेमाल नहीं करता। मोगली भी उसकी ये बात मान लेता है, लेकिन तभी वहाँ शेर खान आ जाता है तो अकेला मोगली को अपने पीछे छिपने को कहता है। फिर वहाँ शेर खान अकेला से कहता है कि मुझे इंसान की गंध आ रही है, इसीलिए उसे तुम मेरे हवाले कर दो, मैं उसे खाना चाहता हूँ। तो अकेला उसे कहता है कि मोगली मेरे झुंड का हिस्सा है, इसीलिए तुम उसे नहीं मार सकते। तो शेर खान कहता है कि अभी शांतिशिला चल रही है, इसीलिए तुम जंगल के नियम के हिसाब से अभी तो इसे बचा सकते हो, लेकिन जब बारिशें लौटेगी तब जल संधि का नियम खत्म हो जाएगा और जब तुम मुझे इसका शिकार करने से नहीं रोक पाओगे। फिर शेर खान वहाँ से चला जाता है और फिर कुछ दिनों के बाद बारिशें स्टार्ट हो जाती है और फिर सभी भेड़िए इस सोच में पड़े होते हैं कि वो शेर खान से मोगली को कैसे बचाएंगे। मोगली भी ये बहस सुन रहा होता है और वो उन सबको परेशान देख उनके पास जाता है और उन्हें कहता है कि मैं किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता, इसीलिए मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊंगा। तभी वहाँ बघीरा आ जाता है और वो कहता है कि मोगली सही कह रहा है और मैं ही इसे यहाँ लाया था और मैं ही इसे यहाँ से लेकर जाऊंगा। लेकिन रक्षा उसकी बात नहीं मानती क्योंकि रक्षा ने उसे अपने बेटे की तरह पाला था। तो मोगली अपनी माँ को कहता है कि मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। फिर बघीरा मोगली को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर मोगली बघीरा से पूछता है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, तो कहता है कि मैं तुम्हें इंसानों की बस्ती लेकर जा रहा हूँ। तो मोगली उससे कहता है कि मैं इंसानों की बस्ती में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं नहीं जानता कि वो कैसे हैं और तुमने ही बचपन में मुझे उनसे दूर रहना सिखाया है, इसीलिए मैं किसी भी दूसरे जानवर के साथ रह लूंगा लेकिन मैं इंसानों के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन बघीरा उसकी एक नहीं सुनता और वो इंसानों की बस्ती की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी बघीरा को किसी के आने की आहट सुनाई देती है और वो मोगली को कहता है कि तुम भागकर उत्तर की तरफ जाओ, लेकिन तभी शेर खान उन पर हमला कर देता है। तो बघीरा उसे रोकता है और मोगली वहाँ से भागने लगता है, लेकिन बघीरा उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता। शेर खान मोगली को पकड़ने के लिए उसके पीछे आने लगता है तो मोगली बचने के लिए भैंसों पर चढ़ जाता है, जिससे मोगली शेर खान से बच जाता है, जिससे शेर खान को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वो अकेला के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें मोगली को मुझे सौंपने को कहा था, लेकिन तुमने तो उसे जंगल से ही बाहर निकाल दिया। फिर शेर खान धोखे से अकेला को मारकर नीचे फेंक देता है और सभी को कहता है कि जब तक मुझे वो इंसानी बच्चा नहीं मिलता तब तक ये इलाका मेरा है। फिर हमें मोगली को दिखाया जाता है जो जंगली भैंसों पर सोया हुआ होता है और जब उसकी आँख खुलती है तो देखता है कि भैंसे पहाड़ों से कहीं जा रही है, लेकिन तभी वहाँ फ्लड आने लग जाता है और मोगली ये देखकर पानी में कूद जाता है ताकि वो अपनी जान बचा सके। और वो एक पेड़ के तने पर बैठ जाता है और फिर वो पेड़ बहते हुए एक घने जंगल में पहुंच जाता है। और जब मोगली उस जंगल के अंदर जाता है तो बघीरा को आवाज देने लगता है, लेकिन बघीरा वहाँ नहीं होता और तभी वहाँ उसे एक बेरी दिखाई देती है और वो एक बेर की मदद से उसे तोड़ लेता है और उसे खाने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ कुछ जानवर उसकी बेरीज लेकर भागने लग जाते हैं। तो मोगली उनका पीछा करने लगता है और वो पीछा करते करते एक पेड़ पर पहुँचता है जहाँ उसके सामने एक एनाकोंडा आता है
जिसका नाम का होता है। वो उसे कहती है कि तुम इतने घने जंगल में क्यों आए, तो मोगली कहता है कि मैं यही रहता हूँ। का उसे कहती है कि तुम तो अभी ये भी नहीं जानते कि तुम कौन हो। फिर वो उसे अपनी आँखों की मदद से दिखाती है कि वैसे तो इंसान जंगल के अंधेरों से दूर अपनी बस्ती में ही रहता है, पर कभी कभी वो सफर के लिए निकलता है और वो अपनी सुरक्षा के लिए आग जलाता है, जिसे जंगल के सभी जानवर रक्त फूल कहते हैं। और उस दिन वो मुसाफिर गुफा में अपने बच्चे की हिफाजत कर रहा था, लेकिन शेर खान ने उस पर हमला करके उसे मार दिया और उसकी मशाल की वजह से शेर खान का मुंह जल गया और वो इतनी तेजी से भागा कि उसने उस इंसान के बच्चे को देखा ही नहीं। और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि मोगली था। उस रात मोगली को बघीरा मिला। ये सब कहकर का उसे हिप्नोटाइज कर देती है और उसे खाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ एक भालू आकर मोगली को बचा लेता है। और अगली सुबह जब मोगली की आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने वही भालू है जिसका नाम बल्लू होता है। बल्लू मोगली को कहता है कि मैंने तुम्हारी उस अजगर से जान बचाई है, इसीलिए मेरा तुम पर एहसान है और तुम्हें उसे चुकाना होगा। और फिर वो मोगली को एक पहाड़ के पास लेकर जाता है और वो मोगली को कहता है कि तुम्हें ऊपर चढ़कर मेरे लिए शहद का छत्ता तोड़ना होगा और फिर हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। फिर मोगली जुगाड़ बनाकर बेल की मदद से नीचे लटक जाता है और एक लकड़ी की मदद से शहद के छत्ते को तोड़ने लगता है, लेकिन तभी मधुमक्खियां उसे डंग मारती है। लेकिन फिर भी मोगली अपने पैरों की मदद से उस छत्ते को तोड़ लेता है। फिर वो वापस नीचे बल्लू के पास आता है और कहता है कि अब हमारा हिसाब बराबर हो गया है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन बल्लू उसे नहीं जाने देना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि मोगली उसके लिए और ज्यादा शहद इकट्ठा करे, इसीलिए वो मोगली को मदद करने को कहता है। लेकिन मोगली मना कर देता है कि बघीरा ने मुझे इंसानों की बस्ती में जाने को कहा है और मैं वहीं जा रहा हूँ। तो बल्लू उसे कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें खुद ही वहाँ छोड़ आऊंगा। फिर वो दोनों इंसानों की बस्ती की तरफ निकलते हैं। उन्हें चलते चलते रात हो जाती है और वो इंसानों की बस्ती के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। तो बल्लू उससे पूछता है कि तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो। तो मोगली कहता है कि बघीरा ने कहा है कि तुम्हें अपनों की जरूरत है और तुम वहीं सुरक्षित रहोगे। तो बल्लू उसे कहता है कि तुम यहीं अपनी बस्ती बसा सकते हो और हम साथ मिलकर सर्दियों से पहले बहुत सारा शहद इकट्ठा कर लेंगे। तो मोगली मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें शेर खान को दिखाया जाता है, जिसने भेड़ियों के झुंड पर कब्जा कर लिया होता है, इसीलिए रक्षा उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो शेर खान कहता है कि मैं मोगली को मारना चाहता हूँ, और जब वो ये बात सुनेगा कि मैंने अकेला को मार दिया है और झुंड पर कब्जा कर लिया है, तो वो तुम्हें बचाने जरूर आएगा। फिर अगली सुबह हमें मोगली को दिखाया जाता है जो शहद इकट्ठा करने के लिए जुगाड़ बना रहा होता है, जिसमें जंगल के दूसरे जानवर भी उसकी मदद कर रहे होते हैं और सभी मिलकर बहुत ही अच्छा जुगाड़ बना लेते हैं और वो साथ में बहुत सारा शहद इकट्ठा कर लेते हैं। फिर बल्लू और मोगली साथ में मस्ती करने लग जाते हैं और अब वो काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तभी वहाँ उन्हें किसी के आने की आहट आती है तो देखते हैं कि वो बघीरा होता है। मोगली बघीरा को देखकर बहुत खुश होता है। फिर बघीरा उसे अपने साथ इंसानों की बस्ती में जाने को कहता है। तो मोगली कहता है कि बल्लू और मैं अच्छे दोस्त बन गए हैं, और वो बघीरा को अपना इकट्ठा किया हुआ शहद दिखाता है। तो बघीरा बहुत गुस्सा होता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि बेड़े जुगाड़ नहीं बनाते। तो मोगली कहता है कि मैं तो बस बल्लू की मदद कर रहा था। तो बघीरा कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, हम यहाँ से जा रहे हैं। तो मोगली कहता है कि मुझे कहीं नहीं जाना। तो बल्लू बघीरा को कहता है कि अभी काफी रात हो चुकी है, इसीलिए अभी हम सो जाते हैं और सुबह होने पर हम निकल जाएंगे। तो बघीरा भी उसकी बात मान लेता है और वो सभी सो जाते हैं। फिर अगली सुबह जब मोगली की जल्दी आँख खुलती है तो मोगली को हाथियों के चिंगारने की आवाज आती है। तो मोगली बिना किसी को उठाए उस आवाज की तरफ जाता है, जहाँ बहुत सारे हाथी एक गड्ढे के पास इकट्ठा हो रहे होते हैं। जब वो वहाँ जाकर देखता है तो उस गड्ढे में एक हाथी का बच्चा फंसा होता है और हाथी मोगली को दुश्मन समझ रहे होते हैं। लेकिन जब मोगली उनके सामने सर झुकाता है तो उन्हें विश्वास हो जाता है कि यह हमारी मदद करने के लिए आया है। फिर मोगली अपनी बेलों से बनाई गई रस्सियों को लेकर आता है और उस बच्चे को उन रस्सियों से बांधकर हाथियों की मदद से ऊपर खींच लेता है। बघीरा और बल्लू भी ये सब देख रहे होते हैं और वो भी ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज तक कोई हाथियों के इतना करीब नहीं गया था। फिर बल्लू बघीरा को कहता है कि तुम उसे जंगल से क्यों जाने दे रहे हो। तो बघीरा उसे कहता है कि उसके पीछे शेर खान पड़ा है और उसे मारना चाहता है। तो बल्लू उसे कहता है
है कि तुम इसे इंसानों की बजाय भेड़ियों के पास ले जाओ, क्योंकि उनका लीडर अकेला मोगली को बचा लेगा। तो बगीरा उसे कहता है कि अकेला को शेर खान ने मार दिया है, इसीलिए मोगली को बचाने का एक ही तरीका है कि वो इंसानों की बस्ती में चला जाए। इसीलिए वो बल्लू को इसमें अपना साथ देने को कहता है। बल्लू मोगली की सुरक्षा के खातिर मान जाता है और वो मोगली के पास आता है और उसे कहता है कि अब तो बगीरा भी यहाँ आ गया है, इसीलिए अब तुम दोनों को साथ में यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन मोगली बल्लू को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहना चाहता हूँ, तुम मेरे दोस्त हो। तो बल्लू से झूठ कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, तुमने तो बस मेरी शहद इकट्ठा करने में मदद की है और अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर मोगली बहुत उदास हो जाता है और वो गुस्से में एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। लेकिन तभी वहाँ कुछ बंदर उसे उठाकर ले जाने लगते हैं। तो मोगली बगीरा को आवाज देने लगता है और बगीरा और बल्लू मोगली को बचाने के लिए उसके पीछे भागते हैं। वो बंदर मोगली को लेकर ठंडी गुफाओं की तरफ जा रहे होते हैं। बल्लू और बगीरा भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। वो सब बंदर मोगली को लेकर बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, जहाँ एक पुराना खंडर महल होता है। वो सभी बंदर मोगली को अंदर लेकर जा रहे होते हैं। वहीं बगीरा और बल्लू उस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो बहुत मुश्किल से उस पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। वहीं जब बंदर मोगली को अंदर लेकर जाते हैं तो हमें वहाँ इन सभी बंदरों के राजा को दिखाया जाता है, जिसका नाम लुई होता है। वो मोगली से कहता है कि तुम जंगल में रहना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पीछे शेर खान पड़ा है, इसीलिए मैं तुम्हें बचा सकता हूँ और तुम इस जंगल में रह सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे कुछ देना होगा, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास बस एक चीज नहीं है जो सिर्फ तुम मुझे दे सकते हो, वो है रक्त फूल। तो मोगली लुई को कहता है कि मेरे पास रक्त फूल नहीं है। तो लुई उसे कहता है कि तुम इंसान की औलाद हो और रक्त फूल ही तो तुम इंसानों की पहचान है, क्योंकि इंसान ही रक्त फूल को जला सकता है और उसे कंट्रोल कर सकता है, इसीलिए तुम मुझे वो रक्त फूल दे दो। तो मोगली कहता है कि मुझे रक्त फूल के बारे में कुछ नहीं पता और मुझे उसे कंट्रोल करना भी नहीं आता। तो लुई को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो उसे कहता है कि तुम मुझे वो दे दो और फिर हम दोनों मिलकर इस जंगल पर राज करेंगे। तो मोगली कहता है कि मैं रक्त फूल नहीं ला सकता। तभी वहाँ पर बल्लू आ जाता है और वो लुई को अपनी बातों में फंसाने लग जाता है और बगीरा मोगली को लेकर वहाँ से निकलने लग जाता है। लेकिन तभी एक बंदर उन्हें देख लेता है, जिससे लुई को पता चल जाता है कि मोगली भाग रहा है और वो सभी को उसे पकड़ने के ऑर्डर देता है। सभी बंदर उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो बगीरा और बल्लू मोगली को कहते हैं कि हम इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और तुम यहाँ से भागो। लेकिन तभी वहाँ लुई आ जाता है, जो मोगली को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और मोगली को कहता है कि तुम कहाँ जाओगे, तुम मेरे साथ रहो, हम मिलकर इस जंगल पर राज करेंगे। तो मोगली कहता है कि मैं वापस अपने झुंड के पास जाऊंगा। तो लुई उसे कहता है कि तुमने सुना नहीं, शेर खान ने अकेला को मार दिया। मोगली को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और फिर वो वहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन लुई उसके पीछे पड़ जाता है और मोगली भागता हुआ उस महल से बाहर एक पेड़ पर कूद जाता है। लेकिन ज्यादा पिलर्स टूटने की वजह से वो महल लुई के ऊपर गिर जाता है, जिससे वो उस महल के मलबे में दब जाता है। लेकिन मोगली वहीं पेड़ पर बैठा होता है और वो बगीरा से पूछता है कि क्या ये सच है कि अकेला मर चुका है। तो बगीरा कहता है कि मैं तुम्हें बताने ही वाला था। लेकिन मोगली कहता है कि तुम दोनों को सब पता था, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, जिससे वो गुस्सा होकर वहाँ से भागने लगता है। बगीरा और बल्लू भी उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे जाते हैं। वहीं मोगली इंसानों की बस्ती के पास जाता है और वहाँ से चोरी छिपे रक्त फूल यानी कि आग से जली हुई मशाल को ले लेता है और वहाँ से अपने भेड़ियों के झुंड की तरफ भागने लगता है। बगीरा और बल्लू भी उस आग की वजह से उसे देख लेते हैं और वो भी उसके पीछे जाने लगते हैं। मोगली जंगल से होता हुआ अपने झुंड की तरफ बढ़ रहा होता है, जिससे उस मशाल की वजह से जंगल में आग लगने लग जाती है और सभी जानवरों को ऐसा लगता है कि जंगल में इंसान घुस आए हैं और वो जंगल को जला रहे हैं। इसीलिए सभी जानवर जंगल को छोड़कर नदी के पास इकट्ठा होने लग जाते हैं। लेकिन तभी सभी जानवर देखते हैं कि वो मोगली है। मोगली भागता हुआ आता है और वो शेर खान को आवाज देने लग जाता है और कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता, और सभी को कहता है कि तुम सभी को भी अब शेर खान से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तब शेर खान वहाँ आता है और कहता है कि अब तो ये सब तुमसे डर रहे हैं, क्योंकि वो सभी जानवर मोगली की आग की वजह से डर रहे होते हैं। फिर शेर खान मोगली से कहता है कि उठाओ वो रक्त फूल और वार करो मुझ पर, जैसे तुम्हारे बाप ने किया था, और दिखा दो कि तुम एक भेड़िया नहीं बल्कि इंसान हो। तो मोगली उस मशाल को पानी में फेंक देता है और शेर खान से कहता है कि ये मेरा जंगल है और मैं एक सच्चा भेड़िया हूँ। तो शेर खान हंसता हुआ कहता है कि ये तो तुमने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी, अब तो तुम्हारे पास रक्त फूल भी नहीं है, इसीलिए तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता।
तभी बल्लू आगे आता है और उसके साथ सभी मोगली का साथ देने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये देख शेर खान बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि मैं तुम सबको मार दूंगा, और फिर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है तो बल्लू उसे लड़ने के लिए आगे जाता है और उन दोनों में फाइट होती है। लेकिन शेर खान उसकी गर्दन पकड़ लेता है तो सभी शेर खान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन मोगली को बघीरा रोक लेता है और कहता है कि तुम भेड़िया नहीं हो, इसीलिए भेड़ियों की तरह मत लड़ो, इंसान की तरह लड़ो। और फिर मोगली अपने आइडिया से शेर खान को मारने का सोचता है और वो जंगल की तरफ भागता है और वहाँ बाकी के सभी जानवर शेर खान को रोकने के लिए उस पर हमला करने लगते हैं। लेकिन शेर खान मोगली को जंगल की तरफ जाता हुआ देख लेता है और उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन बघीरा शेर खान को रोकने के लिए उस पर अटैक करता है, लेकिन बघीरा उससे नहीं जीत पाता और बाकी के भेड़िए वहाँ शेर खान को रोकते हैं। वहीं जंगल में मोगली शेर खान को मारने के लिए अपने जुगाड़ की मदद से एक ट्रैप बनाता है। वहीं शेर खान उन सभी भेड़ियों को वहीं फेंक कर जंगल की तरफ बढ़ता है और वो मोगली को देख लेता है और मोगली अपने ट्रैप के मुताबिक शेर खान को पेड़ के ऊपर लेकर आने लग जाता है। मोगली एक डाल पर आगे बढ़ता है तो शेर खान भी उसके पीछे पीछे आगे बढ़ता है, लेकिन वो पेड़ एक सूखा हुआ पेड़ होता है, इसीलिए शेर खान नीचे आग में गिरने की वजह से आगे नहीं बढ़ता और वो मोगली से कहता है कि या तो तुम मेरे हाथों मरोगे या फिर रक्त फूल के। तो मोगली उसे कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता और वो शेर खान को गुस्सा दिलाने लगता है, जिससे शेर खान को गुस्सा आ जाता है और उसके ऊपर छलांग लगा देता है, जिससे मोगली का प्लान कामयाब हो जाता है और मोगली अपनी रस्सी की वजह से बच जाता है। लेकिन शेर खान उस डाल पर लटक जाता है, जिससे वो डाल टूट जाती है और शेर खान नीचे आग में गिर जाता है और वहीं मर जाता है। मोगली फिर जंगल से बाहर आता है, लेकिन जंगल में अब हर तरफ आग लग चुकी थी, इसीलिए हाथी मोगली की मदद करने के लिए उसके पास आते हैं क्योंकि मोगली ने उनके बच्चे को बचाया था। वहीं दूसरी तरफ जंगल में सभी जानवर बहुत उदास होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मोगली मर गया है। लेकिन तभी मोगली हाथियों पर बैठकर आता है और उस बहती हुई नदी को जंगल की तरफ मोड़ देता है, जिससे जंगल की आग बुझ जाती है और अब सभी को मोगली पर नाज होता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।